जो उमेशचंद शास्त्री हैं, टीवी पर मैंने उनका चैनल देखा था, वो कह रहे हैं, जो एक संत हैं अपने आप को उमेशचंद शास्त्री कहते हैं, वो कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज तो उस समय जेल में हैं और बहुत सारे इन्होंने आश्रम बना रखे हैं, इनके ऊपर क्या कहना चाहती हूँ? देखो संत रामपाल जी महाराज जी, अब देखो जो पूर्ण परमात्मा है वो भी तो ऊपर होता है, तो हम सबको लाभ देता है ना, तो वो तो संत है, वो चाहे जेल में हो या बाहर हो, उन्होंने जेल में जाने के बाद भी, उनके आज सतलोक 11 आश्रम है, एक अदर ऑफ कंट्री है नेपाल, और इंडिया में भी 11 सतलोक आश्रम बने हुए हैं, तो वो तो संत है, वो तो चाहे जेल में हो या बाहर, और अगर वो जेल में है तो ये तो देखो वो साल में 6 बार महासमागम का आयोजन कराते हैं, जिसमें 3 दिन का विशाल भंडारा, दहेज मुक्त विवाह, साथ के साथ देसी घी का शुद्ध भंडारा जो 24 घंटे चलता है, एक भी मिनट नहीं रुकता, तो ये देखो ये संत नहीं है तो भगवान है। देखो भाई उमेशचंद शास्त्री जी, ये आपके लिए एक करारा जवाब बेटी दे रही है, जिसकी उम्र अभी कितनी साल है आपकी? मेरी उम्र अभी 19 साल है। 19 साल की बेटी है, वो आपको करारा जवाब दे रही है कि भगवान संत कहीं पर हो, उसके कार्य सारे चल रहे हैं, भंडारे चल रहे हैं बाकायदा, वो जेल में हो ऊपर हो कहीं हो, ये भगवान की पावर होती है, संत की पावर होती है। मैं बोलना चाहूंगी, जो ये कह देते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी को तो संस्कृत नहीं आती, वो हिंदी बता, संत रामपाल जी महाराज जी को हर एक लैंग्वेज आती है, उनके पास वर्ड पावर है, वो कुछ भी, पर अगर जो हमारे श्रद्धालु है, हमारे जो भाई बहन है, उनको तो संस्कृत नहीं आती, पर संत रामपाल जी महाराज जी संस्कृत का सही अनुवाद देते हैं, डिक्शनरी में बताते हैं, हजारों प्रूफ देते हैं कि देखो डिक्शनरी में ये लिखा है, व्रज का मीन्स गो होता है, जाना होता है, और जो अन्य संत है वो कह रहे हैं आना होता है, ये 2-4 संस्कृत में क्या बोल देते हैं, अन्य श्रद्धालु पागल हो जाते हैं कि वाह इन्होंने संस्कृत में बोल दिया, अरे भाई उनको तुम हिंदी में बताओ ना क्या चीज सही है, संत रामपाल जी महाराज जी हर एक लैंग्वेज में बाइबल कुरान दिया, आज तक किसी ने, कोई हिंदू में ऐसा संत हुआ है जिसने सारे शास्त्रों को, कुरान वेद हो गए, चारों वेद और बाइबल हो गई, किसी का प्रमाण दिया है, किसी को प्रूफ किया है, किसी ने नहीं किया, केवल आज धरती में संत रामपाल जी महाराज जी ने सारे शास्त्रों को खोल के तो बहन जी एक उमेशचंद शास्त्री वो ये भी कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज गीता का खंडन करते हैं, वेदों का खंडन करते हैं, इसके विषय में क्या कहना चाहते हैं? गीता का खंडन कैसे करते हैं? गीता खंडन तो तब करते हैं जब वो खुद से बता देते हैं गीता में, गीता का खंडन तो वे कर रहे हैं, वे खुद कह रहे हैं 2-4 संस्कृत की लाइन बोल के कि ऐसा हो गया, संत रामपाल जी महाराज जी तो एक एक प्रूफ दे रहे हैं, अध्याय दिखा रहे हैं, उनका सत्संग सुनिए, वो एक एक चीज बता रहे हैं कि गीता ज्ञानदाता ये कह रहा है इस अध्याय में, इस श्लोक में ये कह रहा है, तो संत रामपाल जी महाराज जी तो गीता में बता रहे हैं, ये कह देते हैं राम राधे राधे ये जपो, अरे हमें दिखाओ ना गीता में कहां लिखा हुआ है राधे राधे जब हो, संत रामपाल जी महाराज जी बताए गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में खुद गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन तू उस परमेश्वर की शरण में जा, तो राधे राधे कहां से हुआ, और ये कहते हैं कि व्रज का मींस तो आना होता है, आना कहां से हुआ, आप किसी भी डिक्शनरी में खोल के देखिए, आजकल गूगल है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उस पर जाइए, व्रज का मींस जाना होता है, गो होता है, आना कहां से हो गया, और श्री कृष्ण और जो अर्जुन था वो तो श्री कृष्ण जी की शरण में पहले से ही था। देखिए उमेशचंद शास्त्री जी, अगर हमारा इस वीडियो आप देख रहे हो तो आप देख लीजिए, आपकी उम्र उस बेटी की उम्र में बहुत अंतर है, आप संत रामपाल जी महाराज से डिबेट तो कर नहीं सकते हो, लेकिन उस बेटी से आप कर रहे हो ना।